हेलो दोस्तों, मैं आपका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल में। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि बूटस्ट्रैप में हम लोग वेबसाइट्स कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, ये मैंने ट्रेवल्स नाम की एक वेबसाइट बनाई, छोटी सी, बूटस्ट्रैप में यूजिंग HTML एंड CSS। तो हम लोग देखेंगे कि ये वेबसाइट कैसे वर्क करी और कैसे बनी है। हमने इसमें कॉलम्स, रो, कंटेनर और बाकी क्लासेस हैं बूटस्ट्रैप 4 के, वो कैसे यूज़ किए। तो दोस्तों, मैं बूटस्ट्रैप 4 यूज़ कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, 5 ही आ चुका है। तो बट अगर आप चाहे तो 4 से भी इसको ऐसे बना सकते हैं, अच्छी वेबसाइट। तो ये कैसे काम कर रही दोस्तों, ये जस्ट सिंगल पेज में ही रखा है मैंने, मतलब प्रोडक्ट और टूर सर्विसेज में कुछ भी नहीं है, ठीक है। और जो ये इमेजेस दिख रहे हैं दोस्तों, ये डमी इमेजेस हैं, यहाँ वहाँ से उठा के मैंने डाले हैं। तो ये आप समझना मत कि ये जो लोकेशन है ये इंडिया में है या ये रियली टोक्यो का है। जस्ट मैंने रैंडम इमेजेस यहाँ वहाँ से उठा के डाल दिया अपना टाइम बचाने के लिए, ठीक है। ये सब रैंडम इमेजेस है और ये रहा फुटर का पार्ट हमारा। तो हम लोग देखेंगे कि ऐसी वेबसाइट्स कैसे बनाई जाती है बूटस्ट्रैप में, ठीक है। तो आइए हम लोग कोड देखते हैं। हाँ दोस्तों, मैं एक एक कोड लिख कर नहीं बताऊंगा, मैंने ऑलरेडी कोड किया हुआ है। जैसे आपको अगर नॉलेज है बूटस्ट्रैप HTML CSS का, तभी आप देखिएगा, क्योंकि मैं एक एक कोड एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। और इसका सोर्स कोड है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर इसको ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हाँ, इसका रिस्पॉन्सिवनेस भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये टॉगल है, काम कर रहा है बराबर, ठीक है। ये स्मॉल स्क्रीन में देख रहे हैं हम लोग। इसको चाहे तो आप और अच्छी तरीके से बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे स्पेस वगैरह जो दिख रहा है आप अपने हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हैं। मुझे ये दिखाना था कि ये फुल्ली रिस्पॉन्सिव है, बाकी स्पेस वगैरह जो है वो आपको मैनेज करना होगा, आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये जो 4 कॉलम दिख रहे हैं, यहाँ पे हमको 2-2 लेना चाहिए। यहाँ पे जैसे 2-2 दिख रहा है, यहाँ पर भी 2-2 आना चाहिए। तो आपके ऊपर आपको उसकी डिज़ाइन कैसे देनी है, ठीक है। तो हम लोग चलिए इसका कोड देखते हैं, कैसे कोड किया है मैंने। फिलहाल दोस्तों, मैंने CDN लिंक्स यूज़ किया है। आप चाहे तो बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करें और उसका JS फाइल bootstrap.js और bootstrap.min.css को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ये जो चारों लिंक हैं यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है। और यहाँ पे जो लोगो है इसका कोई काम नहीं, style.css में थोड़ा सा कोड लिखा है, बस थोड़ा सा मेनू के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो दोस्तों ये पार्ट है हेडर टू हेडर, ठीक है, ये हमारा है मेनू का पार्ट। तो ये जो दोस्तों कोड है न्यू मेनू से लेकर यहाँ तक, ये आपको बूटस्ट्रैप की वेबसाइट में मिल जाएगा अगर आपको चाहिए तो। बूटस्ट्रैप ये रहा दोस्तों, यहाँ से मैंने उठाया है और वहाँ पे जाके कॉपी पेस्ट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर दिया और उसको अपने अकॉर्डिंग आप लोग सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा था मेनू दोस्तों, ये जो मेनू है यहाँ पर हमने सेट कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पर अभी जब इसको मैं ऐसे करता हूँ, देखो टॉगल आ रहा है, ठीक है। टॉगल बार जरूरी, क्योंकि रेस्पॉन्सिव आपकी वेबसाइट होगी, जब मोबाइल में कोई खोलेगा तो उसको इस तरह से दिखना चाहिए, ना कि इस तरह से, ठीक है। तो उसके लिए टॉगल बटन मैंने लगाया है, जो कि ऑलरेडी बूटस्ट्रैप ने मुझे दिया था। यहाँ पर टॉगल बटन है, इसकी वजह से वो जो बटन दिख रहा है वो आ रहा है। और ये बटन काम कैसे कर रहा है, ये JS के वजह से काम कर रहा है। कहाँ गया, ये जो JS दिख रहा है ना, bootstrap.min.js। अभी मैं इसको निकाल देता हूँ और फिर हम लोग रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे आते हैं। देखिए, ये काम करना बंद कर दिया, ठीक है। तो वो जो बटन मतलब जो एक्शन वाले काम हो रहे हैं वो bootstrap.min.js से हो रहे हैं, ठीक है। इसको कंट्रोल Z करके वापस रख दिया मैंने। और यहाँ पर मैंने ये लिंक्स वगैरह जो बनाए हैं, जो बूटस्ट्रैप ने दिया था, वहाँ पे नाम मैंने चेंजेस कर दिया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं ये सेक्शन, आप चाहे तो कंटेनर ले सकते हैं या सेक्शन के अंडर कंटेनर ले सकते हैं या डायरेक्ट कंटेनर भी ले सकते हैं। मैंने फिलहाल सेक्शन लिया है उसको अच्छे से सेग्रीगेट करने के लिए। अभी यहाँ पर जाते हैं और चेक करते हैं ये बैनर जो पेज है ये कैसे आ रहा है। ये हमारा आ रहा है इस सेक्शन से, देखिए मैंने लिखा भी है बैनर सेक्शन। तो यहाँ पर स्टाइल में उसको दे दिया मैंने, स्टाइल में मैंने ये इसको दे दिया, उसका जो पाथ है वो दे दिया, यहाँ पर नो रिपीट लिख दिया, नहीं तो रिपीट होते रहता है। अभी जैसे नो रिपीट मैं हटा दूँ तो देखिए क्या आता है। फिलहाल तो कुछ नहीं होगा,
कभी कभार क्या होता है जब हम लोग नो रिपीट नहीं लिखते, अभी देखो रिस्पॉन्सिवनेस इसका ख़त्म हो गया, नो रिपीट ना लिखने से क्या होता है इमेज बार बार रिपीट होने लगती है, इसलिए हमने नो रिपीट लिखा है यहाँ पर। अब आते हैं टेस्टिमोनियल सेक्शन पे। सॉरी, ये फेवरेट डेस्टिनेशन था, एक्चुअली मैंने टेस्टिमोनियल डाला था, उसको यहाँ चेंज करना मैं भूल गया। ठीक है, फेवरेट डेस्टिनेशन पे यहाँ पे मैंने दोस्तों एक सेक्शन फिर से लिया है और उसको एम्प्टी दिया है। फायर बूटस्ट्रैप 4 की क्लास है एम्प्टी मार्जिन टॉप फायर, तो यहाँ से वो फाइल को छोड़ दिया। अभी देखिए मैं इसको कम कर देता हूँ, मार्जिन टॉप 1 दे देता हूँ, तो ये देखिए यहाँ से इसने स्पेस कम कर दिया। फिर से मैं इसको फायर कर देता हूँ जो था पहले। तो ये बूटस्ट्रैप में अच्छा है कि क्लास यूज़ करके हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है, बार बार हमें मार्जिन टॉप CSS लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद मैंने कंटेनर ले लिया, फिर एक रो ले लिया, फिर एक कॉलम ले लिया 12 का, उसमें एक हेडिंग डाल दिया फेवरेट डेस्टिनेशन का, जो आपको यहाँ दिख रहा है। दोस्तों बूटस्ट्रैप करने के और भी कई तरीके हैं, फिलहाल मैं ये फॉलो कर रहा हूँ, तो आप चाहे डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ठीक है, अब फिर एक रो ले लिया, इस रो में हमारा ये पार्ट आ गया, ये इमेजेस वाला दिख रहा है, ये आपको पार्ट आ गया यहाँ पर। और उसके बाद हमने एक कॉलम ले लिया, ये कॉलम, फिर यहाँ पे दूसरा कॉलम, मैंने 3 कॉलम ले लिया कॉल एस एम 4 करके। ठीक है, तो मेरे पास 3 कॉलम आ गए, 1, 2, 3 कॉलम आ गए। उसके बाद मैंने कार्ड क्लास ले लिया, बूटस्ट्रैप का एक कार्ड क्लास होता है, मैं दिखा देता हूँ। देखिए इस तरह से यहीं से मैंने उठाया था, ये कार्ड है डिम कार्ड, और इस तरह से इसमें आप इमेजेस वगैरह चाहे तो डाल सकते हैं। ये बूटस्ट्रैप का कार्ड क्लास है, इसमें कार्ड में बॉडी है, उसकी हेडिंग वगैरह जो है मैंने यहाँ से डाली हुई है। ये नहीं, ये हेडिंग हो गया, ये उसका पैराग्राफ हो गया, और ये नीचे जो बटन है ये बटन आ गया नीचे, कार्ड फुटर, फुटर मतलब जहाँ पर मैंने बटन रखा। ठीक है, तो ये 3 कॉलम मेरा इस तरह से आ गया, यहाँ पर 3 कॉलम बन गया। अभी टूर एंड ट्रेवल्स में देखेंगे, एक मैंने जस्ट इमेज डाली है। ठीक है, टूर एंड ट्रेवल्स में सेक्शन फिर से बनाया है, सेक्शन में कंटेनर, फिर रो लिया, फिर एक कॉलम लिया 12 का, और उसमें फिर मैंने टूर एंड ट्रेवल्स का हेडिंग डाला है, फिर नीचे एक इमेज ले लिया है, इमेज को मैंने पाथ दे दिया है, जो कि इमेज फोल्डर में मेरा इमेज है। ठीक है, ये रहा इमेजेस, सब इमेजेस मैंने डाली हुई यहाँ पर, और उसको बैकग्राउंड का साइज कवर दे दिया और विड्थ 100% दे दिया, जिससे कि वो पूरा स्क्रीन को कवर करके रखें। तो ये हमारा इमेज का पार्ट हो गया। उसके बाद डेस्टिनेशन गैलरी पे जाते हैं, फिर वही किया मैंने यहाँ पे, ऊपर मैंने इसको जो कॉलम दिया था दोस्तों 4, 4, 4 का दिया था, यहाँ पे जो कॉलम है 3, 3, 3, 3 का दिया है। ठीक है, ये रहा, वही तरीके से किया मैंने, मार्जिन फिर टॉप दे दिया, जिससे कि वो वहाँ से उतना स्पेस छोड़े तो थोड़ा अच्छा दिखे। ठीक है, अब यहाँ पे फिर कंटेनर ले लिया, फिर एक रो ले लिया, फिर एक कॉलम ले लिया 12 का कॉलम लेके, उसमें डेस्टिनेशन में मैंने हेडिंग लिख दिया, फिर एक कंटेनर, कंटेनर बार बार नहीं लेना है, एक बार अगर कंटेनर लेते तो उसमें हम मल्टीपल रोज ले सकते हैं। तो यहाँ पे फिर एक रो लिया, उसमें मैंने ये कॉलम्स लिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये रहा 8वां आपका, तो हमारे पास 8 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, उनको सबको मैंने, सॉरी, सबको मैंने कॉलम एस एम 6 कॉलम 3 दे दिया, तो बड़े कॉल बड़े में 3 दिखेगा, और जैसे ही मैं छोटा करूँगा तो 6 हो जाएगा। देखिए ये एकदम स्मॉल हो गए, अभी देखो 2 हो गया ना, कॉलम एस एम मतलब ये छोटे डिवाइस के लिए, और ये जो ऑटोमेटिक हो गया ये एकदम छोटे डिवाइस के लिए, तो ये उसको कंसीडर करके चलता है। एक्स एस करके भी डाल सकते थे हम लोग, जैसे इस तरह से कॉल XS 12 भी डाल सकते थे, बट इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो कंसीडर करके चलता है बुक्स में। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट हो गया डेस्टिनेशन गैलरी का। फिर और एजेंट्स पे जाते हैं, ये हमारा टीम मेंबर था, तो इसको मैं और एजेंट्स कर देता हूँ।
लिया वो रेजेंट्स, यहाँ पर वही मैंने किया। फिर एक कंटेनर लिया, उसमें दो रो लिया है, एक रो हेडिंग के लिए आवर एजेंट्स के लिए, दूसरा रो नीचे जो कॉलम्स के लिए, एक रो इसके लिए ले लिया और दूसरा रो इसके लिए ले लिया। ठीक है, तो वहाँ पर वापस से मैंने एक इमेज ले लिया है, इमेज में पाथ दे दिया, उसको 100% मैंने विड्थ दे दिया। फिर उसमें उनका नाम है और उनका डेजिग्नेशन है और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है जो कि मैंने डमी कंटेंट डाले हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये बन गया दोस्तों। और दोस्तों नीचे ये फुटर हो गया मेरा, फुटर पार्ट में मैंने फुटर क्लास लिया, उसको बीजी सेकेंडरी डाला जो कि ये बूटस्ट्रैप की क्लास है। बीजी प्राइमरी, बीजी सेकेंडरी, बीजी डार्क, बीजी हाइफन डार्क, बीजी हाइफन प्राइमरी, इस तरह से है। अभी इसको मैं प्राइमरी कर देता हूँ तो देखिए कलर फिर चेंज हो जाएगा, तो देखिए चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसका कलर हम लोग चेंज कर सकते। उसके बाद यहाँ पर कॉपीराइट के डमी कंटेंट यहाँ पर मैंने डाल दिया। तो दोस्तों इस तरह से बूटस्ट्रैप में आप भी वेबसाइट बना सकते हैं। बूटस्ट्रैप काफ़ी इजी है दोस्तों, बस आपको 2 से 3 दिन बैठ के अच्छे से मेहनत करना, आपको उसका क्लास समझ में लेना है कि कब कौन सी क्लास यूज़ करनी है, आपको अच्छी तरह से बूटस्ट्रैप आ सकता है। दोस्तों आप चाहें तो इससे भी बेहतर वैसे कोडिंग कर सकते हैं, वो सब डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। तो दोस्तों इसका जो कोड है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप लोगों